हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फूड एंड बेवरेज। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने अपने लंच में क्या बनाया है एंड क्या खाया है। एंड दिस इज़ द प्लेटर राइट हियर। ये मेरा आज का लंच है जो मैंने खुद से बनाया है, बिकॉज़ आज घर पे मम्मी पापा दोनों नहीं थे, तो इसीलिए मुझे अपना लंच खुद से बनाना पड़ गया, जो कि काफ़ी रेयरली होता है। वैसे तो जब भी मम्मी रहती है, मम्मी बनाती है लंच। एंड आज मैंने सोचा था कि अपने लंच को मैं थोड़ा प्रोटीन फुल एंड फाइबर फुल बनाऊँ, तो इसीलिए मैंने आज राइस एक्सक्लूड कर दिया लंच से। एंड यू कैन सी राइट हियर, ये है आज का मेरा लंच। एंड मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है लंच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है दो रोटी, ये देखिए इसमें दो रोटियां हैं। एंड इसका शेप तो बहुत ही गंदा है, बिकॉज आफ्टर ऑल मैंने बनाया तो शेप तो गंदा होना ही था, बट अपने को क्या है, मुझे तो बस खाने से मतलब है। एंड दिस इज़ द ओट्स, वेजिटेबल ओट्स, हम इसको खिचड़ी ओट्स भी कह सकते हैं। इट्स वेरी टेस्टी एंड हेल्दी एंड वेरी फाइबरफुल ऑल्सो। तो ये जल्दी बन गया था तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। एंड दिस इज़ जैक फ्रूट सीड्स चटनी, कटहल की गुटलियों की चटनी है ये। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रोस्ट किया और उसके बाद इसमें नमक, मिर्ची, प्याज सब कुछ मैंने इसमें मिक्स करके इसको बनाया। एंड यू कैन सी हियर, इट्स वेरी टेस्टी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बिना मेरा लंच इनकम्प्लीट था, वो है ऑमलेट। दिस इज़ माई फेवरेट। एंड बस इतना ही है मेरे लंच में आज के लिए, ये चारों डिशेस जो मैंने खुद से बनाया एंड काफ़ी जल्दी बन गया, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सबको अपने लंच में क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।